बुजुर्गों द्वारा बताई गई बहुत ध्यान देने योग्य बातें। नंबर एक, सुबह के वक्त नाश्ता टाइम पर ना करने से पेट में गांठ बन जाती है और शरीर में कमजोरी आ जाती है। नंबर दो, हफ्ते में एक बार नीम का काढ़ा पीने से पेट की सारी गंदगी साफ हो जाती है और चेहरे पर निखार आता है। नंबर तीन, कच्चा लहसुन खाने से खून गाढ़ा नहीं होता और शरीर से ताज़ा खून पैदा होता है। नंबर चार, कच्चा पनीर खाने से दिमाग तेज होता है। पनीर में पाया जाने वाला विटामिन बी हमारी मेमोरी को तेज बनाता है। नंबर पाँच, 2-3 महीने बिल्कुल कम नमक वाला खाना खाएं, इससे आपका शरीर 90% बीमारियों से दूर रहेगा। नंबर छः, सोते समय पैरों के नीचे तकिया लगाकर सोने से आपके शरीर का किसी एक भाग पर भार नहीं पड़ता और वजन पूरे शरीर में सामान्य रूप से बढ़ जाता है। नंबर सात, चोट लग जाने के कारण शरीर से कहीं ब्लड निकल रहा हो तो बहते हुए ब्लड को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। फिटकरी को पानी में डुबोकर ब्लड निकलने वाली जगह पर रगड़ने से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। नंबर आठ, अगर आप सब्जियों को ताज़ा रखना चाहते हैं तो एक कटोरी पानी में नींबू का रस मिलाकर सब्जियों को उसमें धोकर रखें। नंबर नौ, अगर आपको गैस की वजह से सिर में दर्द हो रहा हो तो एक चम्मच लहसुन का रस पी लें, इससे सिर दर्द गायब हो जाएगा। नंबर दस, अदरक और लौंग इलायची वाली चाय पीने से थकावट दूर होती है। नंबर 11, अगर आपको बार बार जुकाम हो जाता है तो एक गिलास दूध में एक चम्मच हल्दी मिलाकर उबाल लें। इसको पीने से खांसी, जुकाम और थकावट नहीं होती। इसका सेवन रात के समय करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। नंबर 12, हाथों में पीलापन दिखाई दे तो जिस्म में आयरन की कमी हो सकती है, ऐसे में केले का इस्तेमाल करें। नंबर 13, अगर आपके ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो रोजाना सौंफ का सेवन करें, इससे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। नंबर 14, अगर आप बिना सर्जरी के चश्मा हटवाना चाहते हैं तो 3-4 हरी इलायची को एक चम्मच सौंफ के साथ पीसकर इसे लगातार दूध के साथ सेवन करें, जल्द ही नज़र तेज होने लगेगी। नंबर 15, हींग को थोड़ा गर्म करके कीड़े लगे दांतों के बीच दबाकर रखें, इससे दांत में मसूड़े के कीड़े मर जाते हैं। नंबर 16, दूध के साथ बासी रोटी खाने से शुगर लेवल कंट्रोल रहता है और पिचके हुए गाल भरने लगते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।